ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको एक छोटी सी एक लघु एक घटना बता रहा हूं। एक ऐसी घटना जिस घटना को सुनकर आप चकित रह जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ईश्वर का विधान कैसा है और किस प्रकार उसके द्वारा चला जाता है। आप इस छोटी सी लघु कथा को, छोटी सी कहानी को अवश्य सुने। बहुत छोटी सी ये वीडियो है। एक समय की बात है कि यमराज जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे और जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उस समय गरुड़ जी, जो कि भगवान विष्णु के वाहन है, उस समय कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और उस समय उन्होंने यमराज जी को आता देखा। यमराज जी को आता देखकर उन्होंने अपने पास बैठी एक बहुत ही सुंदर छोटी सी चिड़िया को देखा जो कि बहुत ही सुंदर थी। और उसी समय यमराज ने भी आकर, जैसे ही यमराज वहां पर प्रकट हुए, उन्होंने भी उस चिड़िया को देखा और देखकर उस चिड़िया को उसी समय गरुड़ जी ने भी उसे देखा। गरुड़ जी के मन में विचार आया कि अवश्य ही यमराज जी इस चिड़िया के प्राण हरने आए हैं, आज इस चिड़िया का अंत समय आ गया। इतनी सुंदर चिड़िया और इसका आज अंत होने वाला है, बिल्कुल छोटी सी चिड़िया और इसका आज अंत हो जाएगा। इसी बात को जब गरुड़ जी सोच रहे थे, उसी दौरान यमराज जी कैलाश पर्वत पर अंदर चले गए और गरुड़ जी ये सोचने लगे कि जब यमराज जी वापस आएंगे तो अवश्य ही इस सुंदर चिड़िया के प्राण हर कर ले जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य है, इसके प्राण पखेरु आज उड़ने ही हैं। तो यमराज जब अंदर गए, उसके बाद गरुड़ जी ने क्या किया, उस चिड़िया को अपने पंजों में पकड़ा और उसको काफी दूर ले जाकर एक पर्वत के चोटी पर रख दिया। एक पर्वत था, उस पर्वत की चोटी पर रख दिया कि भाई यहां पर इसके प्राण बच जाएंगे, यमराज जी इसको यहां नहीं देख पाएंगे, यमराज जी इसको यहां पर लेने नहीं आएंगे। तो वहां पर उसको वो पहाड़ की चोटी पर रखकर आ गए। अब गरुड़ जी जब वापस आ गए तो यमराज जी अंदर से वापस आए, आने के बाद 2 मिनट रुके और गरुड़ जी के पास की ओर देखने लगे। तो गरुड़ जी ने कहा कि आप जिस चिड़िया को आप लेने आए थे, जिस चिड़िया को आपके प्राण आप हरने आए थे, वह तो चली गई। तो उस समय यमराज जी बोले कि वह तो अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु मैं उसे इसलिए देख रहा था कि इस प्यारी चिड़िया के प्राण अभी कुछ समय बाद एक सांप के द्वारा निकाले जाएंगे, एक सांप इसको अभी खाएगा और वह सांप यहां से बहुत दूर है और ये चिड़िया यहां कैलाश पर्वत पर है, सांप बहुत दूर है और कुछ समय बाद इसकी मृत्यु होने वाली है, तो ये चिड़िया वहां पर कैसे जाएगी या वो सांप यहां पर कैसे आएगा। खुद यमराज इस बात को सोच रहे थे कि ये कैसे होगा और इसी को सोचते हुए मैं अंदर चला गया। वापस आकर देखा तो वह चिड़िया यहां पर नहीं है और संभवतः वह उसके पास चली गई, अब उसके प्राण अवश्य चले जाएंगे। तो गरुड़ जी सोच में पड़ गए कि देखो मैं क्या सोच रहा था और क्या हो गया, यानी जो विधि का विधान है वह होकर रहेगा, उसमें यमराज जी भी कुछ नहीं कर सकते और आप भी कुछ नहीं कर सकते, जो विधि का विधान है वह होकर रहेगा। तो इस लघु कथा से जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, क्या आप संदेश इससे पा रहे हैं, तो वो ये है कि आप जैसा चाहते हैं वैसे होता नहीं है, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा कभी नहीं होता। जैसे गरुड़ जी ने चाहा कि मैं इसके प्राण बचाकर मैं वहां रखाऊं, परंतु वैसा हुआ नहीं। होता वैसा है जैसा ईश्वर चाहता है, ईश्वर की इच्छा थी कि ये वहां जाएगी गरुड़ जी के द्वारा और इसके प्राण हर ले जाएंगे, गरुड़ जी ने अपनी इच्छा से वैसा किया, लेकिन गरुड़ की इच्छा जैसा उसने चाहा वैसा नहीं हुआ। तो जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, जैसा ईश्वर चाहता है वैसा होता है। अब ईश्वर कहते हैं कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा तू कर, फिर जैसा तू चाहेगा वैसा होगा। यानी कि मैं चाहता हूं कि तू सत्य कर्म कर, अच्छे कर्म कर, किसी की बुराई मत कर, किसी गलत कर्म मत कर और अपने उद्धार का जरिया बना, अच्छे कर्म कर, परोपकार कर,
तो फिर जैसा तू चाहेगा वैसा होगा। इस लघु कथा से यही ज्ञान मिलता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या समझना चाह रहा था। सभी भक्तों को जय श्री राम।